तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, दिवाली के लिए आप देख पा रहे हैं पिक्सल लाइट है, और मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये पिक्सल है, ये भी है, ये पुराना। इसमें हम एग्जांपल देख के इसी को कट करेंगे, इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले बता दूँ, अगर नहीं चलता है तो आपके पास इस तरह का आर्डिनो किट लगाना पड़ेगा, या फिर इस तरह का कंट्रोलर लगाना पड़ेगा छोटा सा, या फिर इस तरह का कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो है पिक्सल जो है रनिंग में होगा, ठीक है। और पावर सप्लाई 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये सब तो आप शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जानते हो तो अच्छी बात है। इसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसी से जो है आप कनेक्शन कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। और ये सब तो आपको पता ही है कि ये लगेगा तभी चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताऊँगा आपको, कि किसी ने कॉमेंट किया था कि यहाँ से जो है बीच से एक लाइट जो है हमारा ब्लिंक नहीं करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया है, या फिर कलर चेंज नहीं करता है इसको, ठीक है। और बाकी ये नहीं चेंज करता, तो इधर भी हमारा ये कहाँ से रनिंग करेगा, बाकी इधर हो रहा है तो यहाँ से स्टॉप हो जा रहा है, इसके बाद से नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ से कट कर देना है, सिंपल सब बात है कि इसको इस आपको लाइट को हटाना है, ठीक है। और नहीं हटाओगे तो इसका जो आईसी होता है, मैं बताऊँ यहाँ पे जो आईसी दिख रहा है आपको, इस आईसी को जो आपको चेंज करना पड़ेगा। और आप तो चेंज करोगे नहीं, उससे पहले क्या करोगे, ये काट के तीन तीन वायर हैं आपस में कलर हिसाब से इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अगर नहीं कनेक्ट करोगे, आप सोच रहे हो कि नहीं एकदम बढ़िया से जिस तरह सेटअप है उसी तरह लगे, तो आपको जो ख़राब है लाइट उसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा, और जो सही है उसको भी। तो क्या करना है आपको कि यहाँ से जो काट के इसका वायर, ठीक है, यहाँ से आप काट सकते हो या फिर यहाँ से निकाल सकते हो निकाल के। और इसका यहाँ जो है आप देख पा रहे, इधर से जो हमारा इनपुट है और आउटपुट इधर से एरो बना हुआ है, उधर से आउटपुट है, ठीक है। तो हम इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट, इधर से जाएगा पावर, ठीक है। तो हम बताएं कि ये मेरा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये मेरा नहीं चल रहा, तो इसको काट के हटाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं जल रहा था, ये जल रहा था ना, तो इसको काट के हटाएंगे। और इसको जो यहाँ पे इस वायर से कनेक्ट करके, यहाँ पे आप देख पा रहे एरो का साइन आपको दिख रहा होगा, तो इधर साइड से आपको एरो का साइन दिख रहा है, इधर से एरो साइन के ये वाला वायर निकाल के यहाँ से फिर इसको यहाँ से हटा के पूरा इस एलईडी का यहाँ से यहाँ हटा देंगे, और इधर वाला वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तब जो हमारा पूरा कम्प्लीटली लगेगा भी नहीं कि चेंज हुआ है, ठीक है। और इस तरह से जो आपको रिपेयर करना है, ठीक है, अगर ब्लिंक हो रहा है हल्का सा, ये क्लारिटी चेंज नहीं कर रहा, तो सोचो हमारा ये लाइट ख़राब है। तो इसी हिसाब से जो आपको चेंज करना है और लगाना है बढ़िया से, आपको यही बताना था, ठीक है, इसी हिसाब से। और अभी तो आपको क्या करना है, बस काटना है, कनेक्शन करना है, तीन तीन वायर है, तीन तीन सोल्डिंग कर देना, बस हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपको करना है, अगर प्रॉब्लम इस तरह हो रहा है तो। अगर पूरा ही नहीं करा, फर्स्ट वाला है जो है, मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट वाला है ना, तो हम इसी को दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये जो है, निकाल लेते हैं, हाँ, इस तरह हमारे पास जैक है, ये फर्स्ट वाला लाइट है, ठीक है, सब चल रहा है, हमारा ये वाला लाइट जो है इसी में प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये होता है फर्स्ट वाला जो एलईडी होता है हमारा मास्टर एलईडी हो गया, यहाँ से काट के फिर यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा मास्टर एलईडी ही हो गया, तो ठीक है। तो ये चीज़ है, मास्टर एलईडी जो फर्स्ट वाला था वही मास्टर एलईडी होता है, यही चेंज करता है लाइट, यही सबसे पहले अपने आईसी पे प्रोग्रामिंग करता है, उसके बाद ये दूसरे को भेजता है, इसी हिसाब से होता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अगर ख़राब हो जाता है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला को आप जो है इसमें चेंज करके इसको फर्स्ट कर सकते हैं, आपका जो है पिक्सल सही हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जो आपको करना है, और आप इन्जॉय कर सकते हैं दिवाली के लिए, ठीक है। तो गाइस, इतना ही बताना था, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।